पब्लिक के सजेशन पे मैं पहुंच गया हूँ मोती नगर। मुझे कहा गया है यहाँ पे बहुत ही टेस्टी मटन टिक्का खरोड़े का सूप मिलता है। चलो फिर आके चल के देखते हैं। मैं आ गया हूँ पिंडी खरोड़े वाले पे। जैसा कि आप देख सकते हैं बेसिक सा सेटअप है, तवा पतीले और ये बोर्ड लगा है पिंडी खरोड़े वाला। सिटिंग स्पेस नहीं है, दो तीन टेबल लगे हैं जहां पे आप खड़े होके खाना खा सकते हैं। स्पाइसी खाना है, लेस स्पाइसी खाना जो ठीक रहे। दसों के मैं साल स्पाइसी का मैंने ऑर्डर किया है मटन टिक्का, और मटन टिक्का को कुलचों के साथ सर्व किया जाएगा। फर्स्ट इम्प्रेशन ये है कि टिक्का के पीसेस बिल्कुल फ्रेश लग रहे हैं। एक्चुअली मैं कहीं खाने जाता हूँ तो मुझे टिक्के के पीस अगर उनको देखो तो कुछ हार्ड हार्ड से ऐसा लगता है कि कोई एक दिन दो दिन से उनको मैरिनेट करके रखा हो, लेकिन यहाँ देखते ही ऐसे लग रहा है कि कुछ बिल्कुल फ्रेश है। और जो ये ढाबा चलाते हैं वो खुद ही बना रहे हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी। नॉर्मली क्या होता है, लड़के वड़के रखे होते हैं वो बनाते हैं, कभी उन करते हैं, कभी मसालों की परवाह नहीं करते। तो होपफुली यहाँ पे थोड़ा मुझे पॉजिटिव ये दिख रहा है कि मालिक खुद बना रहा है, तो एंड प्रोडक्ट कैसा होता है ये मैं आपको थोड़ी देर में ही बताऊँगा। ये सामने कुलचे सेके जा रहे हैं। कुलचों में बेसिकली क्या किया है, जो ग्रेवी हल्की सी थी उसको लगा दिया गया है कुलचे पे, जिससे ग्रेवी का पूरा फ्लेवर कुलचों में आ जाएगा। और ये मक्खन का यूज़ करते हैं, मैंने देखा है कि ये इन्होंने अमूल मक्खन यूज़ किया है, तो एक तो पॉजिटिव ये है कि अच्छी क्वालिटी यूज़ कर रहे हैं ये। लो जी ये है एंड प्रोडक्ट, मसाले बिल्कुल रचे हुए हैं, एक एक टिक्के का पीस प्रॉपरली बना हुआ है, चटनी भी बढ़िया लग रही है, कुलचा बिल्कुल बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। मैं तो बिना मटन के भी ये कुलचा खा सकता हूँ, इतना टेम्पटिंग लग रहा है। ऑयल भी बहुत माइनर सा है, ज़्यादा नहीं है। सबसे टेम्पटिंग चीज़ तो मुझे ये लग रही है, मैं सही बताऊँ मुंह में तो आ गया है पानी।
चलो अब खा के देखता हूँ। ये बहुत ही टेस्टी है, जैसा मुझे पसंद है और जैसा मैं मटन टिक्का ढूंढा करता था बिल्कुल वैसा है। भाई मेरी तो लग गई है लॉटरी आज और मुझे ये बहुत पसंद आया है। मैं तो पक्का बार बार यहाँ आने वाला हूँ और अगली बार तो अपने दोस्तों के साथ आने वाला हूँ। मुझे इतना पसंद आया, मैंने एक प्लेट तो अपने घर के लिए पैक भी करवा ली है, थोड़ा घर वालों को भी टेस्ट करवाएं, अच्छी चीज़ तो उनको भी पसंद आएगी। ये मटन तो हो गया, चलिए इनका खरोड़ों का सूप ट्राई करते हैं। कोई कलर का इस्तेमाल नहीं हुआ है और पीस भी बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे खरोड़े का। कोई इसे खरोड़े का सूप बोलता है, कोई पाए का सूप बोलता है और सर्दियों में तो ये जड़ी बूटी का काम करता है। कोल्ड वगैरह है तो भाई आपकी तो लाटर निकल जाएगी ये खा कर। खरोड़ों के सूप की एक खासियत और है कि अगर आपको कोई फ्रैक्चर वगैरह हुआ हो पैरों में तो ये रिकमेंड किया जाता है, कहते हैं कि इसको खाने पीने से आपकी हड्डियां जल्दी ठीक हो जाएंगी, मजबूत होंगी, ये काफ़ी रिकमेंड किया जाता है। तो इसके मेडिकल बेनिफिट्स भी बहुत हैं। बाज़ार में खरोड़े का सूप अच्छा इजीली मिलता नहीं है, लेकिन जो बढ़िया खरोड़े के सूप की तलाश थी मेरी यहाँ पे ख़त्म हो गई है। ये सूप देखने में ही नहीं खाने में भी अच्छा है, छोटा बच्चा भी इसे खा सकता है और कोई 70-80 साल का बुज़ुर्ग भी इसे खा सकता है। मसाले बड़े नॉमिनल हैं, तो इसमें कोई ऐसी फैंसी चीज़ नहीं है जो आपके मुंह में आके आपको लग रही हो। खरोड़े का सूप अच्छा इजीली मिलता नहीं है बट ऑनेस्टली बहुत अच्छा है। इनकी दो आइटम ट्राई की, दोनों बहुत अच्छी हैं। आइए आपको इनकी अब एंड में लोकेशन समझा दूं। ये है मोती नगर मेट्रो स्टेशन और ये है एंट्रेंस जहाँ सीढ़ियाँ हैं जो अंदर जाती है मेट्रो स्टेशन पर, और यहाँ से निकलते ये बिल्कुल सामने, ये राजी सामने पिंडीवाला। ये मेट्रो स्टेशन की एंट्रेंस और ये रहा सामने मोती नगर मेट्रो स्टेशन। ये मेन रोड पे ही है, आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी इसको ढूंढने में, मेन रोड पे है और ये बराबर में कोटक का एटीएम है और वो सामने लिबर्टी का शोरूम है, वो परेशानी नहीं होगी ढूंढने में। आपका प्यार मिल रहा है, सजेशंस भी मिल रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लो, नए वीडियोस आने वाले हैं। थैंक